स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अलग तरह के नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और उससे भी बड़ी बात कहीं ज़्यादा हेल्दी होगी। मतलब इसमें ज़्यादा टेस्टी बनेगी, आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। आपकी जो ऊपर वाली जो लेयर है ना, ब्लैक वाली, पतली रहे तो आप इसमें ऐसे छोड़ सकते हैं, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें ना तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए मिक्सी में, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना। तो एक पूरा नारियल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सारा जो नारियल है उसे डाल दिया मिक्सर के जार में और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। बहुत ज़्यादा फाइन मैंने यहाँ नहीं बनाया है, आप देख सकते हैं थोड़े बहुत मोटे मोटे चंक्स भी हैं, जो कि लड्डू जब हम खाएंगे ना तो उसके बीच में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और जो जो चीज़ें आपको पसंद हो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट में, और जो चीज़ें नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं। मैंने ना यहाँ कढ़ाई पर डाल दिया है आधा कप पानी और इसमें डाल देंगे एक कप करीब चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ही डाल सकते हैं या आप गुड़ से भी बना सकते हैं। यहाँ चीनी को हमें मेल्ट करना है अच्छी तरीके से। जो नारियल हमने मतलब ग्राइंड किया था ना, फ्रेश नारियल, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आपको अच्छे से भूनना है, तब तक के लिए जब तक कि जो नारियल है ना उसमें हल्का सा मतलब जो पानी है वो उड़ ना जाए। मतलब बेसिकली यहाँ इसका थोड़ा पानी हटा देना है, नहीं तो जब हम लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा गीले गीले हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और घी ऐड किया है और यहाँ मैंने इलायची डाल दिया है। दो इलायची को मैंने यहाँ कूट के डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर जो नारियल है ना अच्छे से एकदम यहाँ पर ड्राई हो चुका है, मैं थोड़ा ड्राई करना है। देखिए कलर कैसा है इसका। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे मैंने दूसरे साइड रख दिया है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ नहीं पकाना है और यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मतलब इतना ठंडा कर लेना है कि आपको जो लड्डू मतलब जब बांधे तो आराम से बन जाए, ज़्यादा आपको गर्म ना लगे। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, शाम का मौसम था। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैंने इसमें डाले थोड़े से मगज के बीज या फिर पता नहीं सही से खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। ये ऑप्शनल है, मैंने बोला कि आप जो जो चीज़ें डालना चाहते हैं डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और इस नारियल को मैंने एक थाली में निकाल लिया है ताकि इसका हम लड्डू बना सकें। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जितने बड़े छोटे आपको यहाँ पर लड्डू बनाने आप यहाँ पर बना लें। बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनते हैं, जो नॉर्मल प्लेन वाले जो नारियल के लड्डू होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हटके लगता है, एकदम ड्राई फ्रूट वाला, और बनाना बहुत बहुत आसान है। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो आप इसे बच्चों को दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है लड्डू और बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसानी से, कुछ ही चीज़ें लगती है, बहुत कुछ नहीं लगता। एक चम्मच घी में बन गया ये लड्डू और आपको कोई मेजरमेंट मतलब उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजे से भी गुड़ और पानी को डाल सकते हैं। और मैंने बताया कि गीला हो जाए तो आपको क्या करना है और ड्राई हो जाए तो क्या करना है। यहाँ पर जो लड्डू है सारे बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए लड्डू कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मेरे मोटिवेशन के लिए किसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।